93% हमारे जवान और कई जेसीओस 35 से 37 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि सेना में अनिवार्य है कि हम एक यूथफुल प्रोफाइल रखें। अगर हमको सियाचिन का पहाड़ चढ़ना है, हिमालय में लड़ना है, तो हम बेचारे जो हमारे बूढ़े हो जाते हैं मेरे जैसे, उनको नहीं रख सकते ज्यादा देर। तो जो हमारे सिपाही हैं 35 से 37 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं, जबकि ओआरओपी का नाम से या उसको बता देने के नाम से शांत किया गया, और शांत करने का किसके लिए था? जवान जेसीओ के तक ऑफिसर के लिए था ही। इन सैनिक भाइयों, फौजी फंडा चैनल में आपका स्वागत है। गांव-गांव गली गली अभी पूर्व सैनिक जागरूक हो चुके हैं, और अभी आपने जो ये वीडियो क्लिप देखी, ये हुक्के पे चर्चा हरियाणा के एक गांव से आई है। और इसी तरह सभी गांव में पूर्व सैनिक अपने बुजुर्ग साथियों को जगा रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जानते हैं कि 15 साल में सिपाही आता है, अनसर्टेन लाइफ होती है, उसको किसी पेंशन में नहीं होता है, तो हम कुछ बता देंगे। और क्या बता था? ओआरओपी का नाम से या उसको बता देने के नाम से शांत किया गया, और शांत करने का किसके लिए था? जवान जेसीओ के तक के दम लिया, ऑप्शन के लिए था ही। 100% बात है, सच्चाई है बिल्कुल। अगर आप पुराना इतिहास 1973 का देखोगे, लेकिन इस बात को करते 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 वो हमारे साथ जितने भी अफसर बैठे, उन्होंने यही बोला, जवान का हक इथे रख, जवान का हक इथे रख। कभी भी नहीं बोला उन्होंने अधिकारी का, वो जवान का हक बोल बोल करके और मनाया गया। हमारे साथ सेम उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ। अब उस धोखे के साथ अब हम भ्रमित हैं, बस मैं लास्ट लाइन है, भ्रमित है। भ्रमित दोनों साइड से हैं। आज की एज ऑन डेट से हम पिछला अपना पड़ोसी गाँव भाई अपना, उसमें सैनिक साहब ने बताया, भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात बताओ कि हमें तो पैसा मिल गया, सरकार ने दिया है, इसी सरकार ने दिया, उसको तो देने वाली नहीं थी। बिल्कुल सही बात है भाई, वो शांत हो गए, वो भ्रमित हो गए, संवेदना सरकार की लेकर के बैठ गए। ठीक है, कोई किसी पार्टी का होता नहीं, किसी से कोई वो भेदभाव नहीं है, लेकिन उन बंदों को ये जरूर सचेत करो कि यस, जिस बंदे ने पैसा दिया है, वो बंदा कई साल ऐसा बोला है कि हमारे एक प्रधानमंत्री होते थे, जिनका पैसा अलॉट करके और जो बजट ग्रांट करके जिसके लिए भेजते थे, वहाँ पर 1 रुपये में 10 पैसा अगले को मिलता था, 90 कहीं बड़े बड़ों के वहाँ हिस्से में चला जाता था। तो सेम उसी पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सेम तो काम कर दिया। ओआरओपी बना किसके लिए, बजट बना किसके लिए, भारत सरकार का टैक्स का पैसा इकट्ठा करके अलॉट किसके लिए किया, जवान जेसीओ के लिए, और कला कहाँ गया, अधिकारियों के पास। तो ये जो भ्रम है उन जवानों के कि हमको तो मिल गया, तो उनको ये जरूर उसको उतरिए वहाँ तक, गाँव गाँव में हम इसलिए आए हैं कि भाई नहीं, तेरे को मिला है वो कोई ऐसा नहीं है, भारत का पैसा है वो, लेकिन जो तेरे को मिलना चाहिए था उसमें बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर जैसे हम आपके 2 आदमी 3 आदमी नंबर लेंगे, जो व्हाट्सएप वगैरह चलाता उसको दादरी वाले ग्रुप में जोड़ देंगे, और उससे आप लोग को अनुरोध दिया होगा, गांव के फौजी 220 आदमी ग्रुप बना लेंगे, फौजी फोन नंबर एंटर करके उसमें जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप चलाते हो 50 या 80 चलाते हो, ताकि कोई भी सूचना वहां से कर दी जाए, कभी कोई छोटी काल दी जाए, इकट्ठा होने के लिए तरीके, तो बात तुरंत पूछ जाए। 2 मिनट में एक और इन आगे कर एक और फोन करने में वहां पे भेज दीजिए। सरपंच साहब का नंबर